أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات الله على محمد وآل محمد. ہم یہاں دو مجلسوں میں جو بیان کرتے رہے، اس میں ہم نے آج کی تاریخ کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان آیات کے مد نظر ایک ضروری لفظ پر جو قرآن کریم سے وابستہ ہے بات کریں، اور بات کر رہے ہیں، اور آج اس پر کچھ زیادہ مجھے کہنا ہے. لفظ کفر، لفظ کفر پر. اس کفر پر میں نے وعدہ کیا آپ لوگوں سے کچھ کہوں گا، اور وہ اس لیے ہم نے اس موضوع کو مختلف جگہوں پر اختیار کر رکھا ہے. تقریباً 6-7 سال سے جہاں کئی مرتبہ بات کرنا ہو تو میں اس پر بات کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ آج خود نہیں بلکہ ہمارے بعض رفقا، خطبا، علماء، معاصرین نے ہم کو متوجہ بھی کیا اس بات کی طرف، اور خود بھی جو اپنے ملکی حالات ہیں یا غیر ملکی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ضروری سمجھا کہ ہم اس لفظ پر بحث کریں، اور جو نتائج اس کے گفتگو سے سامنے آئیں گے وہ ہمیں اور آپ کو اتنا مطمئن نہ کریں جو حق ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری آپ کی آنے والی جو سامنے کی نسلیں ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. لوگوں نے اس پر کتابچے بھی لکھے، ہم سے بہت جگہوں پر بات بھی ہوئی، اور ہم اس پر اپنے بافہم اجمے کے سامنے جو یہاں سے اس سرزمین سے متعلق ہے، چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پر بات جا رہی ہے، تو وہ بھی اس پر متوجہ ہوں. ابھی گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہم آسٹریلیا میں تھے، میلبورن میں، بالکل چلتے وقت میں نے اس موضوع کو وہاں ماہ رمضان میں وہی تھے اس بات کو کہا. دو باتیں بڑی اہم ہیں اس میں، اور دونوں پر ہمیں اور آپ کو گفتگو کرتے رہنا ہے جس حد تک مجھ سے امکان ہے. میں پیش کر رہا ہوں
और आगे और ज़्यादा इसको हम अहम तौर पर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सलावत मोहम्मद उसमें कोई जिद्दत नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि जो हमारे मुआशरे और समाज के लिए हंगामी बन जाए, जहनों को तशवीश में डाल दिए। कोई भी बात हम न अपनी राय से कह रहे हैं न अपनी मर्जी से कह रहे हैं, लेकिन ये उसकी अता है कि जितना जितना आप खुलूस के साथ किसी एक मजहबी सब्जेक्ट पर गौर व फिक्र के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उतना ही उधर से तायीद भी होती है, बात मिलती है। हमने 6-7 साल पहले इसी मौजू पर बात शुरू की थी और बड़े बड़े मजबों में अपने मुल्क के अंदर भी अगर मैं हवाले दूं तो कि कहाँ और कहाँ और कहाँ, तो आप में से बाज़ार शरीक भी रह जाए, गुज़श्ता शब भी हम हमारे इस मजमे में बहुत मोहतरम हजरात तशरीफ़ फरमाते, जो बाद में बैठ कर उनसे बात भी हुई कि लखनऊ के एक बहुत बड़े मजमे वो मौजूद थे, तो कल मैंने बयान किया उसमें गए, एक जुज़ वहाँ था। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं इस पर थोड़ा ये एहसास करता हूँ कि बहुत से लोगों को ये तवक्को होगी कि मैं शिद्दत के साथ और एहतमाम के साथ फ़ज़ाइल मौला अली पर बात करूँ। बहुत से लोगों का ये दिल चाहता है, ज़हन भी है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उसी पर बहुत बात करूँ, लेकिन तबर्रुकन थोड़ी सी बात कर लिया करता हूँ बाकी यहाँ की मजालिस में और जगहों पर भी। और वो मैं ये कह लूँगा कि हक है हमको फ़ज़ाइल मौला अली में हम इस आयत को भी शुमार करें जिससे मैंने इत्तिदा की है, जबकि लोग इसको फ़ज़ाइल मौला अली में शुमार नहीं करते। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने, हमारे बुजुर्गान दीन है, बुजुर्गान उलमा है, जो मसलहत उनकी होगी बहुत आला अरफा बेहतर होगी, मैं अपने नाकिस फिक्र के हिसाब से कह सकता हूँ खाली। जिस आयत से हमने बात शुरू की आपके सामने, इन आयात में तो किसी को शक नहीं है, लेकिन इसमें से एक आखिरी 5वीं आयत जिस पर मैं कल कुछ कह चुका, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वअला समइहिम वअला अब्सारिहिम ग़िशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत किसके बारे में है, और इसलिए इन्नल्लज़ीना कफरू से जहाँ तक मेरी नाक़िस नज़र कि इस आयत को किसी ने भी फ़ज़ाइल मौला अली में शुमार नहीं किया। मुझे भी हक़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मौला के फ़ज़ाइल में ये आयत है, लेकिन अकीदतन दिल चाहता है कि अगर मैं इसकी तफसीर पर नज़र डालूँ तो दिल चाहता है कि ये भी कहूँ। खुद हज़रत क़ाज़ी नूरुल्लाह शुसरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद खालिस, उनकी किताब इहकाकुल हक में उन्होंने 86 आयात नासिबी को जवाब देते हुए, अल्लामा हिल्ली ने 86 आयात से इस्तिमसाक करते बयान किया था कि ये सब फ़ज़ाइल अली हैं, और फजल इब्न रोज़बहान नासिबी ने इसकी तरदीद करना चाहिए, जैसी उसकी तहजीब थी, जैसा उसकी ज़बान थी, जैसा उसका अकीदा था, उस एतबार से उसने जिन अंदाजों से रद्द किया उसका बेहतरीन जवाब हज़रत क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी शहीद सालिस ने दिया, और वो किताब आज हमारे आपके सामने इल्म किताब की बहुत मोहतरम शान किताब इहकाकुल हक़ के नाम से है। उसके 86 आयात में उन्होंने जो मौला अली की शान में नासिबी को जवाब देते हुए, और ये भी एक मौजज़ा था कि उन्होंने शायद कोई भी लाइब्रेरी उनके पास नहीं थी कि जहाँ से वो तमस्सुक करें, ये किताब निकालें और ये बयान करें, लेकिन उसकी हर बात का जवाब
वहदानियत के अकीदे से ले के और नमाजों और रूहों के मसाइल तक। इसमें हम इस आयत को अकीदतन कह सकते हैं कि हम शुमार कर लें कि न करें। माशाल्लाह हज़रात उलमा यहाँ हैं, उनके वालिद गिरामी हमारे बेहतरीन दोस्तों और भाइयों में और साथ थे नाजमिया से नजर अशरफ तक मुमताज़ तरीन शख्सियत थी दुनियाए इल्म में हमारे लिए। इनके वालिद गिरामी मौसस यहाँ के इदारे के तर्जमा कुरान मजीद। और मेरा इन तफासिल को छोड़कर मैं आपसे कहूँ, ज़रूरत है कि हम इस दौर में इस लफ्ज़ पर बात करें और ये समझाएं हम अपने बरादरान वतन को कि तासुब की जो दीवारें बुलंद हो रही हैं उनको कुरान करीम को सामने रख कर आप बुलंद भी कर सकते हैं उन दीवारों को और गिरा भी सकते हैं। बुलंद कर सकते हैं अगर हम तासुब का चश्मा अपने चेहरे से ना हटाएं, और गिरा सकते हैं अगर हम कुरान मजीद को समझने वालों से समझना चाहें, समझने वालों से समझना चाहें। मैंने शायद कल ये जुमला कहा, याददाश्त में इतना नहीं कि कल मैंने कहा था या परसों, कि इस दौर में भी कल ही कहा था कि इस दौर में भी कुरान करीम पर रिसर्च जारी है, तहकीक है, तहकीक करने वाले तहकीक करते चले जा रहे हैं। कोई ये दावा नहीं करेगा कि हमने कुरान करीम का हर्फ आखिर अपना लिया है, अब इसके बाद किसी को इस पर बात करने का हक नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। मैं तो बिल्कुल एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से, लेकिन जो बुजुर्ग तरीन अफराद इस वक्त भी हों जिनकी ज़बान भी अरबी हो, बचपन से जिनका मशगला ही कुरान करीम हो, पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना, हमने उनकी तफासीर को भी देखा। तालिबेली की ज़िंदगी से इस वक्त तक बहुत से तफासीर को देखते चले गए। आप यकीन फरमाइए, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालिगा नहीं होगा, मैं एक ही तफसीर को जब पढ़ता हूँ तो दिल ये चाहता है अल्लाह मुझे फिर मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी की तरफ लौटा दे कि मैं फिर से इस तफसीर को पढ़ूँ। नहीं ख्याल किया आप? कभी कभी ये एहसास होता है, मैं कहूँ पालने वाले ये सिन हो चुका, मुझे फिर इब्तदाई ज़िंदगी की तरफ लौटा दे, मेरी इब्तदाई ज़िंदगी मुझे वापस कर दे ताकि मैं इस तफसीर को फिर से पढ़ूँ। ऐसी तफासीर हमारे उलमा की लिखी हुई हैं कि इस वक्त भी अगर 15-20 साल की ज़िंदगी मिल जाए और हम उस तफसीर को शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहें और पढ़ाना चाहें तो शायद ये मुद्दत कम होगी। एक तफसीर कुरान में जब ये हाल हो तो कौन दावा कर सकता उसने पूरे कुरान को समझ लिया। मैं ये कह सकता हूँ बोलने वाली बात को आसानी से आदमी समझ लेता है, लिखी हुई बात को मुश्किल से समझता है। जो सामने अल्फाज होते हैं उनको समझना आसान होता है, जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ना समझना समझाना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ मानी जहन में आती है। मिसालें देता तो मैं कह सकता हूँ कि जब बोलते हुए कुरान को न समझ सके लोग तो लिखे हुए कुरान को क्या सलावात मोहम्मद वाले। आइए बात आसान हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज रहे आप तक। थोड़ी देर के लिए तमाम अजहान आलिया पर बोझ है, लेकिन थोड़ा साथ देंगे आप हमारा, मुख्तसर सी गुफ्तगू बीच में हम कर लें, क्योंकि हमारे पास मैंने कुरान मजीद को मंगवा कर रखा है अभी यहाँ पर, और मैं उसके हवाले से आपके सामने कुछ पेश करूँगा। खाली रस्म में ज़िंदगी को गुजारते और रस्म में मजलिस को गुजारते मैं चला जाऊँ
अच्छा नहीं है, ज़्यादा अहमत होगी, ये कुरान करीम कुल। ये इसलिए मैंने तशुब यहाँ से गा खिला के रख दें कि मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपके सामने, मेरी जेब में भी सिलसिले हवाले हैं, लेकिन मैं दो बहुत बातें शिद्दत से की जाती रही हैं, की जा रही हैं, लिख पर लिख कर भी, पढ़ कर भी, चैनल्स पर, टीवी पर, हर जगह। एक कुरान करीम के आयात से बीच का फिक्रा इंतखाब करके सबूत पेश करूँगा। बीच का फिक्रा, वसती फिक्रा इंतखाब कर लिया गया, पहले क्या है और बाद में क्या है, और उस वसती फिक्रे के ज़रिए उन लोगों को जिनको वो हम ख्याल बनाना चाहते हों मुतासिर करते हैं। देखिए देखिए कुरान में ये है और इसका असर हो रहा है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन बातों को जिस हद तक मुमकिन है कह लें, ताकि जो हम ख्याल लोग हो सकते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो समझना ही नहीं चाहते और एक वो है जो समझना चाहते हैं। जो समझना चाहते हैं उनको मैं बता सकूं कि वो कौन है जो समझना ही नहीं चाहते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत कम बात इससे करूंगा मैं। दो तरह की बातें शिद्दत से हैं, मैं इसलिए इस तरह एहतियात से कहूँगा कि बहुत से मौक़ों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। देखिए 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 ये तासुब वाली बात हो गई, ये फ़ज़ा को ख़राब करने वाली बात हो गई। फ़ज़ा को ख़राब करने वाली बात का इम्कान ही नहीं है, लेकिन हमारा ये रास्ता ही नहीं है। ये मजमा जिस अकीदत और जिस अकीदे का है, इस मजमे की 1500 साल से ऊपर की तारीख है, 1500 साल से लेके आज तक की हिस्ट्री ये है कि इसने कभी भी मज़हब के नाम पर खुरेजी को बढ़ाना नहीं चाहा है। जो लोग इसमें हमारे हम ख्याल हैं, हमारे मुल्क के, हमारे हम वतन, मैं उन्हें जानता हूँ, उनके बड़े बड़े नाम हैं, उनसे हमारा साबिका होता है, हमें साथ उठते बैठते हैं बहुत से मौक़ों पर, और वो हमारे हम ख्याल हैं। लेकिन जो इसको नहीं समझते उनकी मिसाल मैं अभी इस आयत को पेश करता हूँ। पहले कह दूँ दो बातें, एक ये इनके कुरान से सबूत मैं पेश कर दूँ बात आपको कि इस कुरान मजीद की वसती गुफ्तगू को लेकर, बीच की गुफ्तगू को लेकर जो तासुब फैलाया जाता है, मैं वो लफ्ज़ें नहीं इस्तेमाल करूँगा जिनमें शिद्दत हो, हल्की लफ्ज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत हल्के अल्फाज में। वो लोग जो वसत की, बीच के एक फिक्रे को लेकर बात करते हैं, उनसे बड़े अदब से कहूँगा मजहबी किताबों को अपने जज्बात का निशाना मत बनाइए। किसी भी मजहब की किताब हो, यहाँ तो मैं बहुत मुख्तसर कहूँगा, लेकिन मैं हर बयान में कह चुका हूँ, हर जगह कह चुका हूँ, और यहाँ भी कह दूँ इतने बड़े मजमे के सामने जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी, कि अगर यहाँ कुछ बात तशना रह जाए तो हमसे आप कहीं भी गुफ्तगू कर लें, आपसे मुराद आप नहीं जो इसका सहारा लेकर बात करते हैं। अभी 29 जून ईद उल अज़हा, जिसको हम लोग ईद कुर्बान कहते हैं, बकरीद कहते हैं, और उस 29 जून को बहुत बड़े पैमाने पर इस कुरान की बेहतरामी यूरोप में, स्वीडन में की गई। क्यों की गई? वही जहन, वही नज़रिया कि इसमें ये है और उसमें वो है, वो मैं भी जवाब देता हूँ। 2 जुलाई को मैंने लखनऊ की एक बहुत बड़ी, इससे बहुत बड़ा मजमा था, हम वहाँ खिताब कर रहे थे, आप जानते हैं, आपके भी उस्ताद रहे, हमारे साथी थे जनाब मौलाना इब्ने हैदर साहब,
अल्लाह आपके दोस्तार रहे। बहुत बड़े खतीब मुकर्रर उनकी मजलिस थी, उसको मैं खिताब कर रहा था और यही मौजू था, इसी पर हम बात कर रहे थे कि वसत में क्या आमिर रिज़वी साहब हैं आप? आमिर मियां, अच्छा तशरीफ रखें। वहाँ हमने बात इसी मौजू पर कर रहे थे, लफ्ज़ कुफ्र कितने में भूले से जेब में रह गया था, बंद नहीं किया था। मैसेज आ गया तो मैंने खोला उसको कि बंद करूं, तो वहाँ नाम था, बड़ा नाम था और मैंने उनसे बर्दस्ता कह लिया, इसीलिए कि इनका फ़ोन है, मौजू ये है, मैं कह दूँ कि बड़ा मजबा है, मिंबर पर हूँ, खिताब कर रहा हूँ लफ्ज़ कुफ्र पर। उन्हें ताज्जुब हुआ, क्या? मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस लफ्ज़ का सहारा लेकर नफ़रत बढ़ाई जाती है, मैं इस लफ्ज़ के सहारे उन नफ़रतों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहते मैंने पूछ लिया कि आप हमारा साथ देंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल साथ देंगे, हमें अच्छा लगा, हमने बंद कर दिया और बात जारी रखी। तकरीबन डेढ़ घंटे की तकरीर में ये डेढ़ मिनट की गुफ्तगू थी, लेकिन मैं इसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे मौके जब आपके सामने भी आए तो झिझकिएगा नहीं बात करने में, इसलिए कि याद रखिए कि ये बातें दीन की तकवियत के लिए हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए मैं आपके सामने बयान कर दूँ दो बातें। एक, हम लोगों के लिए ये कुरान, ये प्रोपेगेंडा आलमी है, इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में चल रहा है कुरान के खिलाफ, और बहुत महदूद लोग हैं, सब नहीं हैं, चंद लोग हैं, महदूद लोग हैं जो एक सेंटर से बैठकर पूरी दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं, हम आप सब जानते हैं उनको। और जब बात है कि आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साबिकीन मुफस्सरीन ने भी अपनी तफसीर में ये लिखा है, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले के भी तफसीरों में आपको मिलेगा कि हमारी तफसीर कुरान को मशकूक और मुश्तबा करने के लिए जिन लोगों ने इसमें हाथ बटाया और काम किया, उनका नाम, उनका लफ्ज़ लिखा गया इसराइलियात। ये आज का काम नहीं है, सैकड़ों बरस से हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहकम तौर पर दुनिया के इंसानों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे से करीब करने का काम कुरान ने किया है। बात पहुंची आप तक? आपकी ये किताब ने दुनिया के मुख्तलिफ फ़िरकों मज़ाहिब के लोगों को करीब करने का काम किया है, दूर करने का काम नहीं किया है, करीब करने का काम किया है। इस एतबार से कि मुंतशिर फ़िक्रों को एक जगह लाया जाए और ये मुख्तलिफ फिक्र के लोग एक जगह बैठकर इंसानियत की भलाई का काम करें। ये नहीं है कि इंतशार फिक्र को और बढ़ाया जाए, बल्कि इत्तेहाद फिक्र को पैदा किया जाए। हमें फख्र है कि हमारा कुरान इस पर करीब करता है। दूसरा, तो उसके अंदर पहला ये देखिए 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 तासुब यह है कि ये हुक्म देते हैं यहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो, मैं भी पेश करता हूँ। दूसरा इल्ज़ाम बहुत बड़ा ये है कि ये कुरान, यहाँ इत्तेफाक से दो ही लफ्ज़ हैं, यहूदियों और ईसाइयों को, यहूदियों और ईसाइयों से अपने लोगों को मिलने से रोकता है। मेरे कुछ अच्छे मुआसिर बुजुर्ग खुतबा और उलमा ने मुझसे तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले राबिता कायम किया, वो दूसरे शहर में थे, हमने इस पर बातें की, फिर और लोगों ने ये चल रहा है। मैं आपके सामने बीच की एक आयत का बीच का फकरा पढ़ता हूँ जहाँ तक आखिर तक मजमा है, शिद्दत के अल्फाज वाला तर्जमा नहीं करूँगा। ये है सूरह बकरा, जहाँ मैंने कल बात ख़त्म की थी कि सूरह बकरा कब आया, अगर याद हो कल के मजमे को। तो मैं आपसे ये कहूँगा
कि चूँकि मेरे चश्मे की बात है और कमज़ोरी है कुछ निगाहों की, तो मैं फौरी तौर पर मैंने बड़ा कुरान इसलिए मंगवाया है। आए तो मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि इस पर तवज्जो करेंगे। इसमें पहले से निशान लगा कि हमने नहीं रखा है, ज़रा सा ये देखेंगे। आयत नंबर 191 निकाल दीजिए, 191 जी, आयत नंबर 191 सूरह अल बकरा, इसको मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। शुक्रिया मियां एहसन। इस आयत को हम पूरी आयत को बाद में पढ़ें, बीच क्या फिक्र आप लोग बीच में सुने। शुरू से आयत ये है, वक्त मैंने इसको इसलिए निकाल कर दिया कि लोग देख लें कि हाँ ये कुरान और ये आयत। मैं ज़बानी भी पढ़ सकता था, एक पर्चे में लिख के भी ला के, लेकिन ये रिकॉर्ड में जाए सारी दुनिया देखे ये कुरान मजीद है, ये इसका सूरह बकरा नंबर 2 है, जिस आयत का हवाला दे के बहुत बात की गई है। 3-4 आयतों के मामले हैं उसमें, ये आयत नंबर 191 यहाँ पर है। वक्तलूहुम हैथु सक़फ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रिजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। तर्जमा, इस आयत को बड़े जहर के अंदाज में पेश किया जाता है। मैं तो तमाम बरादरान वतन से कहूँगा, बहुत मुनसिफाना अदल के साथ, इंसाफ के साथ आप इस पर गौर करें। खाली लफ्ज़ खुद बता देगी कि आया मुराद कौन है, क्या कहा जा रहा है, और उनको कत्ल करो और उनको कत्ल करो। हालांकि इससे ऊपर की आयत से बिल्कुल पहले 190 नंबर की आयत, मैं कोई तफसीर कुरान के रूप पर नहीं, मगर मेरा मजमा गौर करें, इसलिए कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए आप सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों को बचाना, उनको जहरीले माहौल से महफूज करना फर्ज है। इससे पहले की आयत साल वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला ततदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, सहारा लिया गया और कत्ल करो, जंग करो अल्लाह के रास्ते पर उन लोगों से कि जो तुमसे जंग करते हैं, मगर कोई ज्यादती न करना, अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। 190 ख़त्म हुई, 191 जहाँ पाओ वक्त लू हूँ इनको कत्ल करो, है सो सकिफ तुम जहाँ इनको पाओ। आप मुझे बताएं कि जब ये फिक्रा कुरान करीम से निकाल कर सुनाया जाएगा तो क्या असर होगा। देखिए ये लोग ये कह रहे हैं कि और उनको कत्ल करो, अब आप समझ लिए कौन, इनको कत्ल करो जहाँ पाओ और इनको निकालो जैसे इन्होंने तुमको निकाला। खाली इतना फिक्रा नकल करना और इनको कत्ल करो जहाँ पाओ और फिर अपना नाम लिख देना आखिर तक जो हजरत तशरीफ रहे, मगर फौरन दूसरा फिक्रा क्या है, वाखरजूहुम मिन हैथु अख्रजूकुम, तुम इनको पहले कत्ल की बात और इनको निकालो जैसा कि इन्होंने तुमको निकाला। आयत का फिक्रा खुद बता रहा है कि हमारे वतन के लोग कहाँ से मुराद हो जाएंगे। कोई है इस दुनिया में कहने वाला, पूरे हमारे भारत के अंदर कोई है कहने वाला कि 1500 साल की मुद्दत में एक तो सबूत लाओ जहाँ ये कहा जाए कि हमने मक्के वालों को निकाला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, मैंने मक्के वालों कह के तर्जमा कर दिया, जबकि तर्जमा यूं करूंगा, कोई है ये कहने वाला
कि हमने रसूल को मक्के से निकाला था, कोई ये कहने वाला नहीं है। तो भाई मुराद कौन होगा? वही तो होंगे जो मक्के में थे और जिन्होंने रसूल को मक्के से निकाला था। उनके लिए जो बात है मैं जुमला कहा करता हूं, उनकी चादर आप क्यों ओढ़ रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत लंबी गुफ्तगू यहीं पर हो जाए लेकिन छोड़ता हूँ। मैं तो अपने बहुत बड़े बड़े मोहतरम लोगों में बैठ चुका, नाम ले लेता हूँ, हमें बड़े अच्छे मोहब्बत करने वालों में, हम भी उनसे बहुत दोस्त हैं। उनके सामने ही बैठ के हमने बात एक बात कही जो आपसे सुनाते हैं। अभी एक जलसे में हम वो साथ में थे, महुआ में, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी मजलिस थी, मुझे भी तकरीर करना थी, उनको भी तकरीर करना थी, हम दोनों ने तकरीरें की। जब हो चुका प्रोग्राम ख़त्म तो दूसरे दिन उन्होंने हमसे मिलना चाहा, हम उनके पास गए बैठे, बहुत से लोग उनके बैठे हुए थे वहाँ। हमने उनसे एक बात कही, मैं तकवी हूँ, सादात में पहचान होती है रिजवी, तकवी, आबिदी, भूसवी, जाफरी वगैरह, जैदी, आबिदी, हसनी, हुसैनी, बाखिरी, दकवी। तो हमने उनसे कहा कि मैं तकवी हूँ, ये भी तशरीफ़ फरमाए, ये भी तकवी हैं। अब हम में से जो हज़रत अब्दुल्ला ज़रबख्श की औलाद में है, मैं उसको बयान करूँ तो बड़ा वक्त होगा, कर जिनकी आमद बराह रास्त लखनऊ से करीब, बाराबंकी से करीब, जैतपुर में हुई, करामत के हिसाब से हुई, एक शरफ था जिस तरह उनको वहाँ पहुँचा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला, लकब पड़ा ज़र बख्श, क्यों अब वक्त नहीं कि बयान करूँ। उनकी औलाद अमरोहे चले गए, नेटोर गए, नौगावा गए, सैयद महमूद अशरफ लकपड़ा दानिशमंद, उन्हीं के ज़ुर्रियात में करारी आए, मंजनपुर आए, जहाँ से ये हजरात, सीतापुर और मुख्तलिफ जगहों पर। तो मैंने उनसे जो कहा वो ये तो मैंने ज़िम्नन आपके सामने कह दिया, मैंने उनसे कहा हम हमारे जब जिनकी औलाद में हम हैं वो हज़रत अब्दुल्ला, तारीख मेरे पास मुहकम तौर पर है, आइए मूसवी सादात कश्मीर में आए, हमदानी पहले आए, खाली हम जो जो जहाँ जाता कभी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, वो भी कि जो गज़लबाश हैं, मुग़ल मिर्ज़ा, ये वाले मुग़ल नहीं, मिर्ज़ा, ये सब जो आए वहाँ से, इनमें मैं अपना चूँकि बराह रास्त कह सकता हूँ, उनसे मैंने कहा 1000 साल में 4 साल कम है कि वो आए। यहाँ से लेके तमाम हिंदुस्तान बर्र सगीर में जितने रिजवी और तकवी हैं, पहले वो तकवी हैं फिर रिजवी हैं, इन सब के जद 1000 साल पहले यहाँ आए। तो मैंने उनसे कहा अगर आज हम तकवी, नकवी, मूसवी, आबिदी हिंदुस्तान में हैं तो इसमें आपके अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए अगर आपने मोहब्बतें न दी होती तो शायद आज हम निगम होते, आज शायद हम कोई और वाजपेयी होते, कुछ और सिंह होते, हमारे लकब बदल गए होते, लेकिन आज भी 1000 साल से अगर हम तकवी, नकवी, मूसवी हैं तो आपके अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने आने वाले पड़ोसियों को जब मजलूम पाया तो उनका साथ दिया और उनसे मोहब्बत बाकी रखी। यह दलील है कि हम यहाँ न ताकत और कुव्वत के इजहार के लिए आए थे और न आपने उस तरह हमको लिया था। हाँ जिन पर आपको एतराज़ है उनकी आमद का सिलसिला सिर्फ 500 से 550 साल के अंदर,
तो हमने उनसे पूछा कि 550 साल ज्यादा होते हैं या 1000 साल। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आई अजीजा ने ग्रहण। दूसरा जो है वो है एतराज। तो हम आपके सामने इस बात को इसलिए पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर यही बात नवे सूरे सूरे तौबा में नकल की गई आयत नंबर 51 में। फिर सूरे अल बकरा में एक दूसरे मौजू पर बात है जो आयत नंबर 51 में यहाँ भी है। दूसरा एतराज ये है, मैं ज़्यादा इस पर वक्त न लूँगा क्योंकि मैं मजलिस में बहुत वक्त हो जाएगा। दूसरा एतराज ये है कि हम दोस्ती से मना करते हैं ईसाइयों और यहूदियों को, और ये दोनों प्रोपेगेंडे बहुत बड़े हैं। इन दोनों का जवाब वक्त नहीं है कि मैं कुरान मजीद को मैंने लिया है सामने सामने आपके सामने पेश करता है एक आयत की तफसील और आप अंदाज़ा करते हैं कि बात कितनी गलत है। क्योंकि मित्रता की बात भी कर दूं ताकि मेरी बात जहाँ तक जा रही है पहुँच जाए। आप कहते हैं कि कुरान करीम अपने लोगों को ईसाइयों और यहूदियों से मित्रता दोस्ती और मोहब्बत को रोकता है। जिस जगह ये आयत आप पेश कर रहे हैं सूरह तौबा से, वहीं पर सिर्फ 4 नंबर की आयत और 5 नंबर की आयत आप पेश करते हैं, मैं 6 नंबर की आयत पेश करता हूँ। मिलकर बात है। कुरान ने उससे पहले की आयत में क्या कहा है, खुद सूरह अल-माईदा जहाँ से आप इस आयत को पेश करते हैं 51 नंबर के दोस्ती को मना किया गया है, उससे शुरू की 4 आयतें और लेके आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो कुरान ये कह रहा है, आगे तक मजमा महसूस करेगा जो कहना चाहता हूँ। सारी दुनिया में ये दुश्मनी फैलाओ कि देखो कुरान अपने लोगों को ईसाइयों और यहूदियों से मिलने को रोकता है। जिस आयत का रेफरेंस अल-माईदा सूरह से आप दे रहे हैं, 5 नंबर का सूरा उसकी 51 नंबर की आयत से जो आप हवाला देते हैं, उससे पहले की 4 आयतों से चलिए, तो उसने रोका नहीं है। उसने ये कहा है इन्ना अनज़लना तौरात, हमने तौरात नाजिल की, इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदा व नूर, उसमें हिदायत और नूर है। हज़रत ईसा का जिक्र आगे बढ़ के हुआ, वह आता है ना हो इंजील फी हुदा व नूर, हमने इनको इंजील दी इसमें हिदायत और नूर है। जब दूसरे मज़ाहिब की किताबों को कुरान ने कहा तो इस तरह कहा, यह किताब हमने दी है। अजमत बढ़ी उस किताब की कि नहीं, और जो कौम उसको मान रही है उसका एहतराम बढ़ा के नहीं। हमने दी है तौरात, उसमें हिदायत और नूर है। हमने दी है ईसा को इंजील, उसमें हिदायत है और नूर है। अब सुनिए वहां पर क्या कहा गया, जिस आयत से ये बात है कि इनको दोस्त ना बनाओ, औलिया आबाद में बात बास को दोस्त बना ना बनाओ, इनको मना किया जाए, नहीं ऐसा नहीं। इससे पहले की आयत में क्या आया, हमने तौरात दी, हमने इंजील दी। अब क्या है, ये लोग यहूदी नसारा अगर अपनी किताब पर उसके हुक्म पर अमल नहीं करते हैं तो ये फासिकून। तर्जमा करूं, यहूदी या ईसाई तुमको जो हमने अपनी किताबें दी उनके हुक्म पर अमल करो, अगर तुम उन किताबों के हुक्म पर अमल नहीं करते हो तो जो अमल नहीं करते हैं वो क्या है, बदचलन है। मैंने तर्जमा कर दिया बदचलन। अब अगर किसी माँ से ये कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा वहां जाकर खेलना चाहता है जो बदचलन लोग हैं, तो जाने देगी? हर इंसान बदचलन लोगों के साथ अपने बच्चों को खेलने से रोकेगा। कुरान ने दूसरों से दोस्ती मना नहीं की है, उनसे मना की है जो आवारा गर्दी करते हो, जो अच्छे किरदार न पेश करते हो। अच्छा किरदार हो चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, मिलने की इजाजत है। सलावत मोहम्मद वाले पूरा मिलने की इजाजत।
इसी तरह लफ्ज़ कुफर, मैं इसको जल्दी से तमाम कर लूँ और दोनों के सबूत में तारीख के चंद बात आए ताकि मजलिसी शौक आपका बरकरार रहे, एक सलावत सब मिलकर पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस पर बहुत कुछ रिसर्च कर चुका हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तहरीरी शक्ल में आपके सामने आएगी बात। एक है लफ्ज़ कुफर, एक है लफ्ज़ काफिर। जैसे सिद्क सादिक किज़्ब काज़िब, कुफर काफिर, तर्जमे बहुत से हैं लेकिन जैसे ये रात, रात के मुकाबले में क्या है दिन, रात के मुकाबले में दिन, लैल यौम, नूर के मुकाबले में तारीकी जुल्मत, वैसे ही कुरान ने लफ्ज़ कुफर के मुकाबले में क्या लिया है। जहां तक हजरात हैं, लफ्ज़ कुफर के मुकाबले में कुरान ने दो बातें पेश की, दो लफ्ज़, एक ईमान और एक शुक्र। कुफर का मुकाबला जिस लफ्ज़ से वो शुक्र, बहुत तवज्जो कीजिएगा। और इसके लिए मैं मुख्तलिफ जगहों से मिसालें पेश करता, मसलन हज़रत सुलेमान के लिए चींटी ने बात कर ली तो आपने कहा रब्बे औज़ेनी अन अशकर नेमत कर लती अनमत अलैया वला वालिदैया वन आमला सालिहन तरजा, मुझे तूने आजमाइश में डाला तौफीक अता करके मैं तारा शुक्र अदा करूँ। जब मलका सभा का तख्त आ गया वहाँ फिर फरमाया कि देखो जो शुक्र अदा करता है वमन शकर तो अपने नफ्स के लिए, और जो कुफ्र अख्तियार करता है तो रब वो पालने वाला गनी है इससे, वहाँ कुफ्र और शिर्क शुक्र। तो कुफ्र और शुक्र ये मुकाबला है, तकाबुल है, ये जहन में रहे। अब जो मैं 1000 साल पहले से, तकरीबन 1000 साल पहले से हमारी तफासीर में, मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई साहब ही ना कहे तफसीर मिल रहा है, हरगिज़ नहीं, और बड़े सबूत और तहकीक के साथ बात करें उसको इंशाल्लाह और आगे हम बयान करेंगे और जगहों पर। ज़रूरत है हमारे मुल्क को और सब लोगों को यहाँ से बाहर भी। बरादरान वतन से एक बात कहूँगा बड़े एहतराम के साथ, तासुब के लिए नहीं, फ़ज़ा को किसी तरह भी ख़राब करने के लिए नहीं, करीब आने के लिए, करीब आने के लिए। कुरान ने कहा कुफ्र, कुरान ने बताया शुक्र। पहले तो ये कह दूं कि जिन लोगों को मुराद ले लेकर बात की गई वो हमारा हरगिज़ नहीं है, समेटना चाह रहा हूं बात को। कल मैंने जिन हजरात से कहा कि सूरह अल बकरा, पहले इस बात को ही तमाम कर दूं, सूरह अल बकरा जिसमें पहली बार लफ्ज़ कुफ्र आया, मक्के में 86 सूरह आए, मदीने में 28 सूरह आए, मदीने के 28 सूरों में से पहला सूरा सूरह बकरा, सूरह बकरा में 5वीं आयत में पहली बार लफ्ज़ कुफ्र आया, पहली बार इन्ना लज़ीना कफरू, पहली बार मदीने के लोगों ने लफ्ज़ कुफ्र को सुना, आगाह हुए। मक्के के लोगों ने 86 सूरों में सुना मुतअद्दिद जगहों पर, ये 86 सूरों में जहां जहां भी लफ्ज़ कुफ्र आया होगा मक्के में, मदीने में जो पहली बार लफ्ज़ कुफ्र आएगा वो अपने से पहले 86 सूरों में जो आया होगा उसकी तौज़ीह करेगा, तर्दीद नहीं करेगा। पढ़ा लिखा मजमा, बाफहम मजमा, तर्दीद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अकीदा है कुरान कहीं भी अपनी दूसरी आयत को कंट्राडिक्शन नहीं करता, झुटलाता नहीं है, तर्दीद नहीं करता है, तफसीर करता है। मौला अली ने अपने खुतबे में फरमाया तरे तो आला हद कजी तो फी मेरा काम वहकुमफिया बेरा वगैरह, उस पूरे खुतबे में आखिर में जाके है कि जहाँ पर कि अपनी राय से कैसी बात कर सकते हैं, वहाँ आपने फरमाया इन कुराना जो फसर हो बाजा,
बाज़े कुरान, बाज़े कुरान की तफसीर करता है, बात यहाँ समझ में आए तो वहाँ आएगी। इब मैंने बहुत तकरीरें की हैं, यहाँ आपके सामने मौका नहीं है, इतना कहूँ जब तफसीर करता है तो 86 सूरों में जो मक्के में आए, 114 सूरे हैं ना कुरान के, 86 वहाँ 28 यहाँ, 114 हो गए, 28 मदीने में, 86 मक्के में, 114 हुए कि नहीं हुए, तरद्दुद में बैठे हैं आप, हिसाब जोड़ लिया कि नहीं, 86 मक्के में हैं, 28 मदीने में हैं, 114 सूरे हो गए, 86 में अगर कहीं भी लफ्ज़ कुफ्र आया हो तो उसकी तशरीह मदीने का सूरा करेगा कि नहीं, क्योंकि मदीने वाले बाद में हैं, मक्के वाले पहले हैं। मदीने के सूरे में इन्ना लज़ीना कफ़रू, पहली बार कुफ्र, मुराद कौन है? यही ये बात तमाम कर दूं, इतनी तफसीरों का हवाला देता हूँ, तफसीर अल मीज़ान, तफसीर अल बुरहान, तबरीज मिनहाज, साफ़ी, और सबसे मोहतम बिशान अहम तफसीर जिसको मरजाए तफासीर अल अज़हर यूनिवर्सिटी के उलमा ने तस्लीम किया है, मिस्र के बड़े बड़े उलमाए इस्लाम जिन्होंने कुरान पर रिसर्च की हो, वो मानते हैं कि हमारी जो तफसीर मजमूल बयान है वो मरजाए तफासीर है, जिस तरह आप तमाम उलमा में जिसको आलम कहते हैं उसको आप मरजा भी कहते हैं, वैसे ही वो बड़े बड़े उलमा अपनी तफासीर को नहीं, हमारे आपके एक आलिम की तफसीर को मरजाए तफासीर कहते हैं, जहाँ से कुछ न समझ में आए वहाँ मजमूल बयान तक चले जाओ समझ में आ जाएगा। सलावात पढ़े मोहम्मद अली, उस तफसीर के भी हवाले से कहता हूं क्या है सूरह अल बकरा में लफ्ज़ कुफ्र, लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, ये लफ्ज़ कुफ्र मदीने में पहली बार सूरह बकरा में आया, सूरह बकरा के लिए उलमा ने लिखा कि ये जंगे बदर से पहले है, मदीने में 2 हिजरी में जंगे बदर, उससे पहले ये सूरह आया, और इसमें जब ये मुराद है यहां पर कि जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, इससे मुराद, इबारत नकल कर रहा हूं, लफ्ज़े नकल कर रहा हूं, हम अबू जहल व खमसतुम मिन, वहां लफ्ज़े अहले बैत में अकरमाया कभी, इस लफ्ज़े कुफ्र से मुराद अबू जहल है और उसके घर के 5 लोग, अदबा शहबा वलीद हजला अकरमा, ये 5 मुराद हैं। तो कुरान ने जब 86 सूरों में कहा होगा ऊपर तो मुराद यही होंगे। अब पहचानो कि हुजूर को मक्के से किसने निकाला था, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, और मक्के में हुजूर के सहाबी की जौजा को किसने कत्ल किया था, हुजूर से कत्ल करने के लिए कौन सामने आए जब हुजूर ने लड़ने से इनकार किया, शबे हिजरत निकल कर मदीने आ गए, यहां तक कि जो सबसे ज्यादा हकदार था लड़ने के लिए उससे भी ये नहीं कहा, ये नहीं फरमाया देखो जैसा मौका है कर लेना, ये नहीं, ये मेरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल तफसीर साहिब अलवर्दी, मौर्रिख़ अलवर्दी वो कह रहा है, इब्न अलवर्दी अपनी तफसीर में अपनी तारीख में लिख रहा है कि हुजूर ने अली को बिस्तर पर सुलाने से पहले ये फरमाया, ये मेरी सब्ज चादर लेकर ओढ़ो और सो जाओ, सो जाने की लफ्ज तारीख में क़यामत तक रह जाएगी, अगर तलवार चलाने का हुक्म देते तो वो भी रह जाता, मक्के के 13 साल की जिंदगी खत्म, अब हम मदीने जा रहे हैं, एक दफा तो दिखा दो कि हमने तलवार उठाई हो, आखिरी वक्त भी जब आया तो सबसे बेहतर तलवार चलाने वाले को भी हुक्म दे दिया सो जाओ,
ताकि इस्लाम पर तलवार का इल्जाम ना आए। सब मिल गए सलावत मोहम्मद वाले। अब हम चले जाएंगे, तुम आना। तुम 450 किलोमीटर का फासला तय करके मक्के से मदीने आओ तो मजहब के नाम पर तलवार चलाने का इल्जाम तुम पर आएगा, हम पर नहीं आएगा। आ गए मदीने, आया वो वहां से, 2 हिजरी तमाम नहीं हुई थी कि अबू जहल आया, अपने साथ और भी अबू लेके आया। लेकिन जब यहां मुकाबला हुआ तो एक ही की तलवार ने इन सबको कत्ल किया। जब सबको कत्ल कर दिया तो मैं अकीदतन तो कह सकता हूं, तफसीर के तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि हमारे बुजुर्ग मुफस्सिरीन ने नहीं लिखा। अकीदतन कह सकता हूं कि जिसकी तलवार ने फैसला कर दिया था तो ये आयत उसकी शान में होना चाहिए कि नहीं। सलावत मोहम्मद वाले होना चाहिए। अकीदतन कह सकता हूं, चूंकि नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि चूंकि अली की तलवार ने फैसला किया इसलिए, जिससे कहा गया इन्ना लजीना कफरू। आइए बस बात, तो मुराद क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने मक्के में जुल्म किए, लड़े बिड़े, झगड़ा किया, लड़ाई की, कताल किया, खुरेजी की। यहां भी वही मुराद है। बात यहीं पर खत्म कर दूं इस मौजू को, बाकी बात कहता हूं आपके सामने अर्ज करूंगा कि और अगर सूरह तौबा तक चले जाओ, जिसका हवाला दिया जाता है कि 9वें सूरह में भी देखे यह है, तो सूरह तौबा भी मदीने में आया, आखिर हयात रसूल में आया और हुक्म हुआ ए अली तुम जाओ, 20 से सूरह ले लो। आप जानते हैं जो लेकर जा रहे हैं उनसे ले लो, तुम जाओ मक्के में जाओ। आज सारी दुनिया के हाजी जिस जमरे अकबा तक जाके पत्थर फेंकते हैं, उसी जमरे अकबा पर खड़े हो और ये सूरह मक्के वालों को सुना दो। जब अली मक्के वालों को सूरह सुना रहे कि तुमने मुआहिदा तोड़ा, तुमने ये किया, इन सब से मैं बरी आओ लड़ लो, इसके कहने का हक उसी को था कि जब मक्के वालों से सामने देखें तो ये न कह सके आज क्या कहने आए, कल तो हमारे साथ थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, बुलंद आवाज से सलावत मोहम्मद वाले, थोड़ा और सहारा दे। अजीजाने गिरामी, बात तमाम कर लूं, बहुत देर बात करने की, मगर आइए फिर पलटते हैं ताकि आप के रूहानी कैफियत को सुकून मिले। क्या है ये? तो कुफर की बात है तमाम की, लेकिन अभी बात तमाम नहीं हुई। कुफर के मुकाबले में शुक्र, काफिर किसे कहते हैं? सिर्फ वजाहत है, कोई तासुब की गुफ्तगू नहीं है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, इतराज करते हैं, कुरान करीम की बीच के फिक्रे को लेके ऊपर का बात का फरामोश करते हैं, जैसे सूरह तौबा की मैंने बात की, वहां क्या है? वह इन अहद, इससे पहले ये है कत्ल करो, जंग करो। बात की आयत तो सामने रखे आप, आपने 4 और 5 नंबर की आयत से जो बात की तो उसमें बात गलत जाती है। 6वीं आयत क्या है? वाइन अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अब्लिगहु मा मना ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कुरान करीम क्या चाहता है। हुक्म हो रहा है जब मौला अली की बहन तशरीफ लाई और रसूल के सामने आके मेरे घर में फला वला बना लेने आ गए तो हुक्म दिया नहीं कुछ बना दो। कुरान ने उसके बारे में आयत नाज़िल की, वाइन अहद मिनल मुशरिकीन, ए रसूल अगर एक भी मुशरिकीन में से तुम्हारे पास, इसका तर्जमा लोग मूर्ति पूजा करने लगे,
अगर एक भी तुम्हारे पास पनाह लेने के लिए आ जाए, फाजिर हो उसको पनाह दो। मैदान जंग का गैर मुस्लिम जंग के दरमियान पनाह लेने आ जाए एक भी, रसूल से कहा जा रहा है पनाह दो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो तुमसे अल्लाह के कलाम को सुन ले, यानी अच्छी बातें सुन ले। बड़ा कीमती जुमला है, सुम्मा अबलिग हो मामना। हमारे हालात खराब होते हैं, किसी ने पनाह ली, जब हालात ठीक होते हैं तो हम उससे कहते हैं अब जाइए रास्ता ठीक है निकल जाइए। रसूल अल्लाह का इतना अजीम ओहदा लिए हुए, उस रसूल से कहा जा रहा है सुम्मा अबलिग हो मामना, जब हालात ठीक हो जाए तो इस पनाह लेने वाले को उसके अमन की जगह पहुंचाओ। वो बात के फिक्रे को मैं तर्जमा एक ही रखूंगा, आप मुझे देखेंगे तो फर्क समझेंगे। फिक्रा क्या इसके बाद जहां है तमाम हो रही है, किसके लिए? जिन्होंने पनाह लिया, जो पनाह लेने आए थे, जो मुसलमान नहीं है मैदान जंग में आए। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, दो तरह तर्जमा कर रहा हूं, लफ्जें वही रहेंगी, फर्क आप समझें। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, जिनको आपके लिए हुक्म दिया इन्हें पनाह दीजिए, जब अमन हो तो पहुंचा दीजिए, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं जानते। फिर सुनिए, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं जानते। लफ्ज़े वही हैं, ज़रा लहजे के फर्क से तर्जमा बदला कि नहीं बदला, वैसे समझ लीजिए आप कि कुरान मुतअद्दिद जगहों पर शफकत का इजहार करता था, हमारे तर्जमा ने जाने क्या से क्या कर दिया। सलावत भेजे मुराद, आइए हम पहचाने कुफर क्या है, शिर्क क्या है। मैं बात तमाम कर रहा हूँ, बहुत शुक्रगुजार अपने इस मजमे का जो तवज्जो के साथ इस अहम मौजू को, इसलिए कि आप अपने बरादरान वतन से कह सकें कुफर क्या है और काफिर कौन है। मैंने बहुत से लोगों से, बड़े बड़े अहदों पर, उनसे मैंने बात की, जब मुलाकात होती है वो कहते हैं इसको आप बयान कीजिए, ज़्यादा लिख के दीजिए, मुतालिबा है, आपसे भी कह रहा हूँ। आइए बहुत यही से तवज्जो कीजिए, साबिक की सारी बातों को जहन से हटा दें आप थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बात आपके जहनों तक पहुंच जाए। कुफर क्या है? इख्फाउन्निमा, ये 1000 साल पहले से तारीफ है। इख्फाउन्निमा व सतरहा, नेमत का छिपाना और उस पर पर्दे डालना। नेमत, नेमत का छिपाना और उस पर पर्दे डालना है कुफर। शुक्र क्या है इसके मुकाबले में? अल्लाह का शुक्र। इजहारुन नेमा व नशरहा, नेमत का जाहिर करना और उसको नशर करना। एक जुमला कहूंगा आखिर तक मजमे तक बात पहुंच जाएगी। क्या है कुफर? इख्फाउन नेमा, नेमत का छिपाना, व सतरहा, और पर्दा डालना। शुक्र क्या है? नेमत का जाहिर करना और उसे नशर करना। नेमत कोई भी नेमत हो, छिपा रहे हैं गोया हम अपने रब की इताअत को छिपा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं गोया अपने रब की नेमत का इकरार कर रहे हैं, है ना बात। अब ये बताइए, जब हर नेमत के लिए कुफ्र और शिर्क का मिज़दाक आ सकता है, हर नेमत के लिए, अब अगर कहीं वो ये आपको लकब दे, वो आपको एक ऐसा खिताब दे कि बात सिर्फ नेमत की नहीं है, ऐसी जगह आपके जहन को पहुंचाए जहां नेमत तमाम हो रही हो, जहां नेमत कामिल हो रही हो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, अब जहां नेमत तमाम हो रही हो वहां देखते जाइएगा कौन छिपा रहा है कौन जाहिर कर रहा है। सलावत मोहम्मद वाले।
सब मिलकर एक सलावत मोहम्मद वाले पे। अजीजाने गिरामी, मैं इसके आगे नहीं गाऊंगा बस, क्योंकि वक्त वक्त का भी लिहाज है, बहुत कुछ गुफ्तगू बाकी रह जाएगी फिर इंशाल्लाह कभी। यह है कुफर, काफिर, तारीख के देता हूँ बस, जो इस्तेलाही तारीख ऊपर से आ रही वो कह दूँ, वो है मुफस्सरीन और तफसीर कुरान की नज़रों में जो ये इस मजमे को गवाह बना रहा हूँ, ला रब वला रबूबिया, जो ना रब को मानता हो न रबूबियत को मानता हो, वलल जन्ना वलन नार, न जन्नत को मानता हो न जहन्नम को मानता हो, और कुरान ने दसियों जगह पर कहा आखिरत को न मानता हो। तीन बातें, जो अल्लाह और उसकी रबूबियत को न मानता हो, जो जन्नत और जहन्नम को न मानता हो, जो आखिरत को न मानता हो, हमारी इस्तिलाह शरा में उसको दहरिया कहेंगे, मुलहिद कहेंगे, लामजहब कहेंगे, अपनी मुल्की जबान में अधर्मी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। सलावत मोहम्मद वाले। और कुरान करीम ने किस तरीके से बाकी तमाम मजाहिब के लोगों को एक दूसरे के साथ तबादले अफकार, ख्यालात, अपनी अपनी बातों को दूसरे के साथ अमन और प्यार और मोहब्बत से पहुंचाना और नकल करने की बात की है, वो मैं छोड़ता हूँ, इतना कह दूँ कि गैर मजाहिब से अगर कुरान नफरत दिला रहा होता तो दो मिसालें देता हूँ। अगर गैर मजाहिब के लोगों से कुरान करीम के हिदायात नफरत दिलाने वाले होते तो दो मिसालें दे रहा हूँ बस, बहुत जल्दी तमाम हो जाएगी दोनों मिसालें। एक यहूदी औरत का जनाजा जा रहा है, हमारे आपके रसूल बैठे हुए हैं, असहाब साथ में बैठे हैं जिनसे आगे बातें नकल होंगी, वो बैठे हुए तफसीर बाकी बातें यही सब नकल तो करेंगे। औरत जनाजा, वो भी यहूदिया, हुआ क्या, रसूल खड़े हो गए, साथ में लोग खड़े हो गए, जनाजा चला गया, लोगों ने कहा या रसूल ये तो यहूदी औरत का जनाजा था। अगर गैर मजाहिब के लोगों की तहकीर, तजलील, नफरत इस्लाम पैदा करता और कुरान पैदा करता तो उसके नबी का यह किरदार हरगिज सामने ना आता कि वो खड़ा हो और जब लोग कहें ये तो यहूदिया का जनाजा था तो रसूल का जवाब था अवलैसत नफसा, क्या ये एक वजूद एक इंसान न थी। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजाने गिरामी, इस मौजू को मुझे बयान करने कई और बयान चाहिए थे, अपने मजमे के आगे के मुश्किलात को देखते मैंने समेटने की कोशिश की है, बहुत वसीब हो। दूसरी बात पेश कर दूँ, ये उस पर नहीं है कि हम मजबूर हैं, सबसे ज़्यादा आलम इस्लाम बादेर खुदा जिसको मानता है रसूल, जिसको मानता है मौला अली, खमसैन उजबा, पहली मिसाल मैंने रसूल की दी, दूसरी मिसाल मौला अली की देता हूँ, वो भी उस वक्त की नहीं है कि जब दुनिया के मजबूर थे, माज़ अल्लाह, मजबूरी का ज़माना भी नहीं दुनिया के एतबार से, हमारे आपके एतबार से तो कभी भी नहीं था, वो जब मदीने में नहीं है, इराक आ गए हैं, कूफा पाए तख्त है, ज़ाहिरी हुकूमत भी है, इस्लामिक एम्पायर का परचम इख्तदार कूफे में बुलंद है, कहाँ कहाँ तक उसकी रोशनी उसका असर जा रहा है, वहाँ मेरे आपके मौला अली,
हुक्काम के साथ, अपने हुकूमत के लोगों के साथियों के साथ जा रहे हैं, आम लोग नहीं हैं, हुकूमत वक्त के जिम्मेदारान साथ में हैं। एक शख्स को किनारे पड़े हुए देखा जिस पर लिबास बहुत मुख्तसर है, कमजोर है, ज़ईफ़ है, पड़ा हुआ है, जिसका कौल हो कि मेरे दायरे हुकूमत में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सर पर साया ना हो, जिसके जिस पर लिबास ना हो और जिसको खाने के लिए गिजा ना हो। वो जब ये देखेगा तो क्या गुजरेगी, उन्हीं का दायरे हुकूमत, उन्हीं का पाए तख्त, उन्हीं का दारुल सदरत कूफा। एक फकीर किनारे पड़ा हुआ है, पूछा अपने लोगों से सिर्फ एक जुमला, दो लफ्जों में सारी दास्तान सिमटी हुई है। लोगों को देखा, उसको देखा, माहजा बस इतना ही, माहजा ये क्या है, ये दो लफ्जों में ये क्या है, सब सिमट गया। हम तो ये चाहते हैं हमारे यहां कोई ऐसा ना हो जो बेलिबास हो, ये माहजा जिसके सर पर साया हो, ये क्या है, जिसके खाने की गिज़ा हो, ये क्या है, एक लफ्ज माहजा में ये क्या है। लोग घबराए, या अली ये फकीर है, ईसाई मजहब से है, पहले जब सेहत अच्छी थी तो रोटी रोजी मेहनत करके हासिल कर लेता था, अब फकीर है, कमजोर है तो पड़ा हुआ है। जवाब था, जब ये कुव्वत और ताकत वाला था तो तुम लोग इससे काम लेकर फायदा उठाते थे, और अब जब ये मजबूर हो चुका है तो तुमने इसको रास्तों को छोड़ दिया, इसको ले चलो। उठाया गया वहां जहां बैतुल माल था, हुक्म दिया गया, नहलाया धुलाया गया, नया लिबास पहनाया गया, गिजा का इंतजाम किया गया, सब अपनी निगरानी में कर लेने के बाद मौला अली जो अब इस्लामिक एम्पायर के जाहिरी तौर पर सब कुछ है, एक फकीर के लिए ये सब करके फरमाया इसके लिए माहाना वजीफा मुयन करो। अब मैं अपने पूरे मजलिस से एक सवाल करता हूँ, बात पहुंच जाएगी सब तक। वजीफा मुयन हुआ, लिबास दिया गया, गिजा दी गई, नहलाया गया, इंतजाम हुआ, पूरी तारीख में पूरी रवायत में बीच में एक फिक्रा कहीं दिखाओ कि जब मौला अली ने फरमाया ये सब जरूर करना मगर पहले से कलमा पढ़वा लो, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, पहले कलमा पढ़ो। वहां जो सबसे महबूब तरीन शख्सियतें हमारे सामने हमने नाम लिए उनका किरदार ये है, तो कौन कह सकता है कि कुरान गैर मजाहिब के लोगों से नफरत, इनाद, बोझ, दुश्मनी, अदावतें पेश करता है। जब ऐसी शख्सियतें ऐसे गैर मजाहिब वालों के साथ और मिसालें पेश करता वक्त नहीं है, ये सब पेश करें तो पहचान लो कि इस्लाम ने जब कभी कहीं कहा तो किसके लिए कहा, सबके लिए नहीं कहा। अज़ीज़ाना गिरामी, आज की जिंदगी हमारी और आपकी इस पर है मुनसिर कि हम मोहब्बतों को बढ़ाएं, लोगों को समझाएं कि कुरान करीम के बीच के फकरे को लेके बात न करो, किसी आयत को, कल भी मैंने शायद कहा था कि ला तकरबु सलाह, कुरान की आयत देखो भाई कुरान ने लिखा है नमाज मत पढ़ो, ला तकरबु सलाह नमाज के करीब न जाओ, आगे का जुमला तो कहो वह अंतुम सुखारा और तुम नशे की हालत में हो, तो कुरान की आयत के एक फिक्रे को मत लीजिए, पहले क्या है बाद में क्या है, तब तो मालूम हो जाएगा कुरान मोहब्बतों का पैगाम लाया था, कुरान इंसान को इंसान बनाने के लिए आया था, मजाहिब की तफरीक के लिए नहीं आया था। सलावत मोहम्मद वाले, और इसलिए अजीजा ने गिरामी हम आपके सामने और जितनी मिसालें पेश करते हैं, आइए देखें जो अहले बैत अथार हैं हुजूर के
किसी जगह अगर किसी माहौल को, कल्चर को, समाज को समझना है तो ये देखिए कि बड़े अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, पहचान लीजिएगा। बुजुर्ग के खानदान अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग, क्या तरबियत, क्या तालीम दे रहा है। हमारे यहाँ इस्लामी शरीयत में सबसे बुजुर्ग हुजूर हैं, उनके बाद उनके तमाम बच्चे हैं। कुरान लाने वाले हुजूर क्या जुमला फरमाया, इत्तकु दावत अल मजलूम। यहां दो तरह यह हदीस है, इत्तकु दावत अल मजलूम वइन्ना लैस लहा हिजाब, एक फिकरा बीच में दूसरी हदीस में है, इत्तकु दावत अल मजलूम व इन काना काफिरा वइन्ना लैस लहा बिदून हिजाब। मजलूम की फरियाद से बचो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। गया हुजूर ने बता दिया, ये ना समझना कि हमेशा मजलूम हम ही होते हैं, चाहे वो इस्लाम पर ना हो वो भी मजलूम होता है। बचो उसकी फरियाद से, लेकिन जब वो फरियाद करता है तो उसके और जिससे उसने फरियाद की है उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं रह जाता। मजलूम अजीजा ने गिरा, और इसलिए मैंने कभी कभी कहा कि हमारे मजलूम इमाम ने इंतहाई जुल्म और सितम के माहौल में भी पैगाम दिए तो यही दिए कि इंसान अच्छा इंसान बने, और जो अच्छे इंसान हैं उनको याद रखा जाए। करबला तक आते आते गैर मजाहिब के लोग भी आके शरीक हुए, अकेला एक शख्स नहीं बल्कि उसकी जौजा भी उसके साथ, उसकी माँ भी उसके साथ। और चंद दिन में ऐसा इंकलाब कि हर एक बढ़कर चाहता है कि हमारा नाम भी फहरिस्त में लिखा जाए जो इमाम हुसैन की मदद करने वाले होंगे। आप समझ गए, चंद दिन पहले जो ईसाई था वो इमाम हुसैन से इजाज़त चाहता है मक्तल में जाऊं, उसकी जौजा बढ़कर रोक रही है। जो चंद दिन पहले ईसाई थी वो वैदा चाहती है, जब ना रसूलुल्लाह इससे ये वैदा करा दीजिए कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाएगा। जिसकी माँ चंद दिन पहले ईसाई थी वो इमाम हुसैन के सामने अपना ये मनसब, अपनी जिम्मेदारी पेश करती है कि मौला इसको मैदान में जाने की इजाज़त मिली। और जब वो बेटा अपनी माँ से ये कहकर चलता है मादर गिरामी मैं मक्तल की तरफ जाऊँ, तो जवाब एक है, हाँ बेटा जा, तेरी माँ तुझसे खुश होगी कि अगर तूने अपनी जान नुसरत हुसैन में निसार की। मैं आप कभी कभी कहता हूँ वो जवान गया मक्तल में, गया जंग की, हाथ कट गए, उसकी जौजा ने आकर उसका साथ दिया, बचाना चाहा, वो भी कत्ल कर दी गई करबला के मक्तल में, पहली बार कोई औरत शहीद हुई। वो जवान अपनी माँ के सामने आता है, उसकी जरा की कड़ियों से तीर लगने से खून उबर रहा है, वो शान से अपनी माँ के पास आता है, माँ आप हमसे राजी हुई, दुनिया की कोई माँ होती, मैंने कभी अपने मजमून में लिखा है कोई माँ होती, वो पहले उसके जिससे खून को साफ करती, गले लगाती, प्यार करती और कहती बेटा तेरी माँ तुझसे खुश है। जवान सामने खड़ा है, जरा की कड़ियों से खून उबर रहा है, माँ क्या आप हमसे खुश, माँ खामोश खड़ी है, नहीं बेटा तेरी माँ तो उस वक्त तुझसे राजी होगी जब तेरा सर मेरे आका हुसैन पर निसार हो जाए। और कुछ देर न गुजरी थी, दूसरी बार उस माँ की जुरत, हिम्मत और मोहब्बत हुसैनी का दुनिया अंदाजा करे कितना जुल्म किया गया, जब वो लड़ते लड़ते शहीद हो चुका, पहला शहीद है करबला की सरजमीन पर जिसका सर पहले जुदा कर लिया गया, सर काट लिया गया, माँ की तरह फेंक दिया गया, ले अपने बच्चे के सर को, दौड़कर सर को उठाया,
सब समझते होंगे, अब चीखेगी, फरियाद करेगी, नौहा पड़ेगी, अपने बेटे के चेहरे पर चेहरा रख कर नौहा मतलब करेगी। नहीं, उसने सामने वालों को देखा, क्या समझते हो मैंने जिस सर को अपने आका पर निसार कर दिया उसको मैं वापस लूंगी? दुश्मनों के सर को वापस कर दिया। अजीजाने गिरामी, बस मैंने तमाम किया अपनी बात को। जब शरीक हो जाने वाली गैर मजहब की औरतें जो इस्लाम कबूल कर लें, इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस तरह हो, तो जो साथ वाली बीवियां हैं, जो हरम रसूल से हैं, जो मदीने से साथ चली हैं, उनका अंदाज क्या होगा? और इसीलिए उनमें से एक बीवी का तस्करा क़यामत तक हमेशा होता रहेगा, जिसने असर आशूर अपने भाई को रुख्सत किया और इस शान से रुख्सत किया कि आगे बढ़ी, भैया जरा गले से रिदा हटाइए, गले को चूमा, पेशानी का बोसा दिया। एक जुमला नहीं पढ़ा करता हूँ, रवायत में है वो भी कह दूँ, और सीने को चूमा, हाथ उठाया मक्के मदीने की तरफ, आवाज़ दी, मादर गिरामी गवाह रहिएगा, अमानत पहुँचा दी। पूछा, बहन तुमने ये क्या कहा, ये क्या किया? कहा, भैया सुन लीजिए, बहुत छोटी सी थी, माँ की आगोश में बैठी थी कि मेरी माँ ने मेरे सर से चादर हटाई और कहा, जैनब याद रखना, एक वक्त आएगा मेरा हुसैन दुश्मनों में अकेला होगा, उसकी पेशानी पर तीर लगेगा, उसके गले पर खंजर चलेगा, उसके सीने पर घोड़ों की टापे होंगी, तुम सर और सीने और वो गले पर बोसा दे लेना ताकि तुम मेरी तरफ से उसके पेशानी को चूम लेना। बस ये सुनकर इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा बहन जैनब, जरा तुम भी बाजुओं से रिदा हटा दो, मैंने बाबा से सुना है कि इन बाजुओं में रसन होगी। भाई बहन ने गले में हाथ डाल दिए, रोना शुरू किया कि आसमानों से रोने की आवाज, एक बीबी के रोने की आवाज, एक फिक्र था, हाय मेरा हुसैन। करबला में जगह 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 जगह, अगर और शहीदों के तस्करे हैं तो उस बीवी का जिक्र भी मिलता है जो इस काफिले के पीछे, कारवा के पीछे पीछे, करबला में हर जगह तारीख में है। अभी आप जिस मंजर के लिए यहां तशरीफ फरमाए, रवायत यहां दो तरह है, मैं दोनों रवायत, तीन तरह की रवायतें शाम गरीबा की, उन तीनों में से दो को एक जगह जमा करके पेश करता हूं हमेशा। यहां जब वो बताया तो जली हुई कनाते हैं, बीबियां खामोश बैठी हैं, गोदियों में बच्चे खामोश हैं, असरे आशूर गुजर चुकी, शाम गरीबा, आसमान पर जर्द मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का चांद, जर्द रोशनी बिखरी हुई, उस आलम में शहजादी जैनब एक मरतबा मक्तल की तरफ गई, जो मंजर था बयान नहीं करूंगा, वापस आई, वापस आके एक एक बीबी की आगोश में जाकर देखना शुरू किया कि बच्चों का क्या मंजर है। बच्चों को देखना चाहा, होते होते गिना शुमार किया, इसलिए कि जाते वक्त भैया ने कह दिया था, बहन जैनब अब तुम इसका रवा की सरदार हो। शुमार तो कर लिया लेकिन अचानक ख्याल आया कि दो बच्चे नजर नहीं आ रहे, किससे मदद लें? आई अपनी बहन उम्मे कुलसूम के पास, बहन जरा उठो, हमने देखा दो बच्चे नजर नहीं आ रहे, चलो उन्हें तलाश करें, शायद उस हंगामे में असर के कहीं निकल गए। दोनों बहनें ढूंढती हुई आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, कैसे पहुंची ये मैं हमेशा तरद्दुद होता था, लेकिन जब ये दूसरी रवायत मिली तो सहारा मिला। कैसे पहुंची दोनों शहजादियाँ उन बच्चों तक कैसे पहुंची? तारीफ में कि जब शहजादी जैनब आगे बढ़ रही थी कि सामने से दो सवार आते हुए दिखाई दिए, अली की बेटी, फातिमा की बेटी, आगे बढ़ी, आने वाले सवारों रुक जाओ, दिन भर के थके हुए बच्चे अभी सो गए,
कहीं की नींद ना खराब हो जाए, आगे ना बढ़ो, सवार फिर आगे बढ़े, आगे और रास्ते पर रहकर जैनब ने अपनी बुलंद आवाज से कहा, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे सो गए हैं, आगे ना बढ़े। कितने में किसी की आवाज आई, सच है ऐ जैनब कि तुम मुझे न पहचान सको, ये तुम्हारा बाबा अली है मुर्तजा, ये तुम्हारी माँ फातिमा जहरा, बाबा पहचानी एक मरतबा तेज कदमों से बाबा बाबा कहती हुई बड़ी। अब जो देखा न सवार है न अली है न फातिमा है, हाँ सामने दोनों बच्चे दिखाई दिए। शायद इस तरह हिदायत दे दी गई। एक मरतबा उम्मे कुलसूम से कहा, बहन जैनब आहिस्ता उठाओ, इन बच्चों की नींद खराब हो जाए, एक को तुम उठाओ एक को मैं उठाओ। आगे बढ़ के उठाना चाहा, अब जो देखा दोनों बच्चे दुनिया से उठ चुके थे। जैनब ने आवाज दी, जैनब कुलसूम एक को तुम उठा लो। तारीख में लिखा गया असरे आशूर तक हुसैन लाशें उठा रहे थे, शाम गरीबा जैनब बच्चों की लाशें उठाकर मफ्तल से ला रही थी। वाह हुसैन वाह हुसैन। Say